1947 में इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इंडिया के कुछ एरियाज नहीं। उनमें से एक गोवा था और ये था पोर्टुगीज के कब्जे। गवर्नमेंट के बार बार कहने के बावजूद भी पोर्टुगीज गोवा छोड़ने को राजी नहीं हुए, तो 1961 में इंडियन गवर्नमेंट को पुलिस एक्शन लेना पड़ा और इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। ये इंडिया के तीनों फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का पहला ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस टाइम पोर्टुगल के पीएम थे सालाजार। उन्होंने गोवा के कमांडर को स्कॉस्ट अर्थ टेक्निक फॉलो करने को कहा, जिससे उन्हें कुछ टाइम मिल सके इंटरनेशनल सपोर्ट मांगने के लिए। स्कॉस्ट अर्थ टेक्निक में फोर्सेस अपने ही रिसोर्सेज या पोस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे एनिमी को कोई एडवांटेज न मिल सके। लेकिन इंडिया की ओर से एयर और नवल स्ट्राइक इतनी ज्यादा थी कि उनको फाइनली सरेंडर करना पड़ा और ये वॉर कुछ 35 घंटे चला था। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के खिलाफ बहुत आवाजें उठी और यूनाइटेड नेशन में एक्शन लेने को कहा गया, लेकिन रशिया ने इस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया।